हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पश्चिमी यूपी के 250 प्रभावशाली जाट जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है इनको आमंत्रित। बताएंगे क्या है बड़ी वजह है दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहाँ पर चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने खोजा तीसरा रूट। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आसान होगी अब अपने भारत की पहुंच। बताएंगे दोस्तों वो तीसरा रूट कौन सा है जो भारत ने खोजा है। साथ ही आपको आगे बताएंगे, जहां पर इन दो देशों के बीच बोले तो रूस और यूक्रेन के बीच जल्द शुरू हो सकती है जंग। कई देशों ने अपने अपने नागरिकों को बुला लिया है वापस। जी हां दोस्तों, बताएंगे किन किन देशों ने अपने नागरिकों को बुलाया है वापस। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पुतिन की सेना कितनी ताकतवर है। दोस्तों आपको एक रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या अकेले ही रूस इन सारे देशों पर भारी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी रिपोर्टिंग आ जाओ हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां पर दुनिया के भ्रष्टाचारी मुल्कों की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान का हाल आपको बताएंगे। दोस्तों पाकिस्तान कहां पर लाई करता है भ्रष्टाचारी देशों के रैंकिंग में। साथ ही इजराइल के पूर्व पीएम बोले तो बेंजामिन नेतन्याहू अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या है इसकी वजह और क्यों ऐसा इसराइल में कहा जा रहा है। दोस्तों इसकी बड़ी रिपोर्टिंग आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश से एक लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है दोस्तों, जिसमें क्या पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं, ये बोलकर अखिलेश ने अपने पैर पर मारी है कुल्हाड़ी। जी हां दोस्तों, बताएंगे जब लोगों से ये पूछा गया दोस्तों पाकिस्तान और अखिलेश को लेकर, तो बताएंगे लोगों का क्या रहा जवाब। जी हां दोस्तों, साथ ही आपसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, ई श्रम कार्ड योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बैंक में डाले हैं 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मात्र 30 सेकंड में आप चेक कर पाएंगे। बताएंगे हम क्या है उसका प्रोसेस। साथ ही दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड की भी बढ़ सकती है लिमिट, किसानों को मिलेंगे और भी कई फायदे। तो हर तरह की आज आपको जानकारी हम देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने परेशान है और मानते हैं कि हमारा देश एक दिन डेवलप्ड कंट्री और नंबर वन कंट्री कहलाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे हमारी और हमारे टीम की तरफ से। जी हां, अगर आप भी अपने देशवासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हैप्पी रिपब्लिक डे भारी मात्रा में लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां पश्चिमी यूपी के 250 प्रभावशाली जाट जाएंगे दिल्ली। आखिर क्यों केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जी ने किया इनको आमंत्रित। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के 250 प्रभावशाली जाट नेता शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली जाएंगे। इन नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आमंत्रित किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह जी ने कमान संभाल ली है। उन्होंने ही पश्चिमी यूपी में प्रभुत्व रखने वाले जाट नेताओं को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया है। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार अमित शाह जी चुनाव के लिए इन नेताओं को पश्चिमी क्षेत्र की कमान सौंपेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, इसके पीछे क्या बहुत बड़ी वजह हो सकती है जो अमित शाह जी इनको बुला रहे हैं दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। आपके अनुसार आपका अनुमान क्या है इस पर। साथ ही बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने खोला तीसरा रूट। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आसान होगी इसकी पहुंच। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत और ईरान लगातार साथ मिलकर काम कर रहा है। अब ईरान के चाबहार पोर्ट से नहावा शेवा और कांडला के बीच एक सीधा कंटेनर शिपिंग रूट स्थापित किया गया है दोस्तों। इस रूट के जरिए पहली कंटेनर सेवा 16 फरवरी को ईरान के शाहिद बेहेश्ती पोर्ट में प्रवेश करेगी। आपको बता दें, भारत ने पहले 2017 में चाबहार और मुंबई और मुंद्रा पोर्ट्स के बीच शिपिंग लाइंस शुरू कर दी थी। जनवरी 2019 में दूसरा सीधा शिपिंग मार्ग शुरू किया गया था। यह मुंबई, मुंद्रा, कांडला, चाबहार और अंत में दक्षिणी ईरान में बंदर अब्बास से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, भारत इन शिपिंग रूट का इस्तेमाल अफगानिस्तान और फारस की खाड़ी के देशों के साथ साथ मध्य एशिया के देशों में माल भेजने के लिए कर रहा है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया में माल परिवहन कर रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान को भी एक तरह से समुद्र का एक्सेस मिल गया है। आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहने वाला है। दोस्तों, किसी भी रास्तों को अपनाने के लिए अब भारत सक्षम है और भारत ने ये करके दिखा दिया है। इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत के हित में ये खबर आपको दिखाया। इसके लिए थैंक यू इंडिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां रूस और यूक्रेन देशों के बीच जल्द शुरू हो सकती है जंग। कई देशों ने अपने नागरिकों को बुलाया वापस। जी हां दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई देशों में युद्ध के हालात बने हुए हैं। अफगानिस्तान का ही ले ले तो पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से लोगों में काफी खौफ है, जिसके बाद लाखों लोगों ने देश छोड़ दिया है। इसके साथ ही कई और देश हैं जिनके बीच हालात ठीक नहीं है। चीन और ताइवान के बीच भी इन दिनों युद्ध जैसे हालात है। चीन लगातार ताइवान के सैन्य क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजकर डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। और इन देशों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसके बाद से कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। साथ ही यात्रा को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। दरअसल कनाडा ने यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को बहुत जरूरी होने पर ही यूक्रेन की यात्रा करने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे तनाव और दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते सैन्य जमावड़े के कारण खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते हैं जहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने का सबसे बड़ा खतरा, आखिर पुतिन की सेना कितनी ताकतवर है आपको बता दें। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। युद्ध की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन और कनाडा ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता और युद्ध सामान मुहैया कराना शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पर यूक्रेन पर हमला करने के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस की सत्ता में बनाए रखने में मददगार साबित होगा। तो दूसरी तरफ यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, बताते ब्रिटिश थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सैन्य ताकत शीत युद्ध के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से रूस की सेना पहले के मुकाबले अधिक सक्षम है। इसके परमाणु हथियार और वायुसेना विशेष रूप से मजबूत है। ग्लोबल फायर पावर कंट्रीज इंडेक्स 2022 के मुताबिक इस इंडेक्स में शामिल 140 से ज्यादा देशों में रूस को सैन्य ताकत के मामले में दूसरा स्थान दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रूस में इतनी ताकत है कि अन्य देशों को कभी भी तबाह कर सकता है, वो भी अमेरिका जैसे देशों को? क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर दुनिया के भ्रष्टाचारी मुल्कों की रैंकिंग एक जारी की गई है दोस्तों, जिसमें भारत एक कदम ऊपर तो पाकिस्तान 16 पायदान लुढ़क गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया की जानी मानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोले तो CPI को जारी किया है। इस इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। इन मुल्कों को इनके यहाँ पर जारी भ्रष्टाचार के स्तर पर आधार पर रैंक दिया गया है। दोस्तों, CPI इंडेक्स के मुताबिक भारत को एक रैंकिंग का फायदा हुआ है और इस तरह वो 180 देशों में 85वें स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, 85वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद ही खराब रही है दोस्तों। उसका प्रदर्शन सुधरने के बजाय और अधिक खराब ही हो गया है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 124 से गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि बहुत बुरी और गंदी स्थिति पाकिस्तान की होती नजर आ रही है दोस्तों। और भारत को फायदा होता नजर आ रहा है और फायदा हुआ भी है। 180 देशों में 85वें नंबर पर है अपना भारत। ऐसे में
अगर आप भी मानते हैं आने वाले 2 सालों में अपना भारत भी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर जाएगा दोस्तों, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं मोदी सरकार होने से हमारा भारत नंबर 1 हो जाएगा तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर अब कभी चुनाव क्या नहीं लड़ पाएंगे पूर्व इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इजरायल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो राजनीति छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन पर लगे आरोपों को इस समझौते के तहत सुलझाया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लिक्विड पार्टी के नेता बने रहेंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू 2009 से 2021 तक इसराइल के पीएम रहे हैं और उन पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वास भंग करने का मुकदमा चल रहा है। हालांकि उन्होंने इस तरह के आरोपों से इनकार कर दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे आरोप अगर साबित होते हैं तो उन पर 7 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इन आरोपों को बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज कर दिया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया होगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया 1 लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात कर अगली खबर की जहां पर खैरात और मेड इन चाइना के भरोसे पाकिस्तानी नौसेना बेड़े में शामिल किया चीनी युद्धपोत और हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने सोमवार को चीन निर्मित एक बहुउद्देशीय फ्रिगेट यानी तेज गति से चलने वाला युद्धपोत और कतर द्वारा दिए गए 10 हेलीकॉप्टरों को अपनी नौसेना में शामिल किया है। पाकिस्तान नौसेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार PNS तुगरील फ्रिगेट और 10 सी किंग हेलीकॉप्टर यानी समुद्री किंग हेलीकॉप्टर को कराची के डॉक यार्ड में आयोजित एक समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। दोस्तों हाल के दिनों में पाकिस्तानी नौसेना के अधिकतर हथियार और जहाज चीन से ही सप्लाई किए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें जहां व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन एलेक्सी नवलनी को आलोचना करने की मिली सजा, घोषित किए गए आतंकवादी। जी हां दोस्तों, रूस ने मंगलवार को क्रेमलिन के आलोचक एलेक्सी नवलनी को आतंकवादियों और चरमपंथियों की सूची में शामिल कर दिया है। अधिकारियों ने विपक्ष पर शिकंजा कसना जारी रखा हुआ है। नवलनी, उनके कई सहयोगी और हुसैन सोबोल लगातार व्लादिमीर पुतिन की आलोचना कर रहे थे। मंगलवार को इन सभी प्रतिबंधित व्यक्तियों का डेटाबेस फेडरल सर्विस फॉर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में दिखाई दिया। नवलनी के भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन के अनुसार उसके 9 अन्य नौसेना सहयोगियों को मंगलवार को आतंकवादी और चरमपंथियों की सूची में जोड़ा गया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की जहां चीन ने जिस प्रकार से ताइवानी रक्षा क्षेत्र में 39 जंगी विमान भेजे उसके बाद ताइवान ने भी जवाब में जेट भेजकर किया इसका प्रतिकार। जी हां दोस्तों, चीन ने नए साल में ताइवान के रक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 युद्धक विमानों को भेजा है दोस्तों, ऐसे में ताइवान ने खुद के जेट विमानों को इसके जवाब में चाइना के क्षेत्रों में भेज डाला है। दोस्तों ताइवान ने बता डाला है कि उसके हवाई क्षेत्र में चीन द्वारा भेजा गया ये अब तक का सबसे बड़ा जत्था है और हमने भी कड़ाके की जवाब चाइना को दी है। जी हाँ दोस्तों, ऑल द बेस्ट ताइवान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने COVID-19 प्रोटोकॉल तोड़ मनाई बर्थडे पार्टी, सबूत मिलने के बाद अब पुलिस करेगी इनकी जांच। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ गई हैं दोस्तों। अब यूके पुलिस प्रधानमंत्री पर COVID-19 से जुड़े प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन से संबंधित आरोपों की जांच करेगी और कहा यह जा रहा है कि पीएम जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट आवास पर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में सरकार की आंतरिक जांच में सबूत भी मिले हैं कि वहां काफी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर बुर्किना फासो कंट्री से बड़ी खबर, सेना ने राष्ट्रपति को बताया नकारा। टीवी पर आकर कहा मुल्क अब हमारा यानी कि मुल्क पर अब इन सैनिकों का कब्जा हो गया है। दोस्तों बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। सेना ने राष्ट्रपति को बंधक बना लिया है दोस्तों और संसद को भंग कर दिया है। सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को स्टेट टेलीविजन पर कहा कि सेना ने मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया है, सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि उचित समय पर संवैधानिक व्यवस्था में वापस की जाएगी, लेकिन ये उचित समय कब आएगा इसकी कोई जानकारी
नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ परमाणु समझौते पर अमेरिका के साथ सीधी वार्ता करने जा रहा है ईरान। सुप्रीम लीडर ने कहा, दुश्मन से बातचीत का मतलब ये नहीं कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने विश्व की अन्य शक्तियों के साथ परमाणु समझौते यानी ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर जारी वार्ता में अमेरिका के साथ सीधे संवाद करने की सोमवार को इच्छा जाहिर की है। सरकारी संवाद समिति IRNS ने यह जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें, इसी महीने की शुरुआत में आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता करने के लिए ईरानी दल को हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि शत्रु के साथ वार्ता और संवाद का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दक्षिण चीन सागर में बड़ा हादसा हो गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकराया F-35 फाइटर जेट, जिसमें 7 नाविक हो गए घायल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट सोमवार को USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार 7 नाविक घायल हो गए। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा है कि यह घटना दक्षिण चीन सागर में नियमित उड़ान अभियान के दौरान हुई है और ऐसे में फाइटर जेट के डेक से टकराने से पहले इसमें सवार पायलट ने खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्र के कैरियर पर लाया गया। उसकी स्थिति अभी भी सामान्य बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ कोविड को लेकर बात करते हैं। दिल्ली और मुंबई में थम गई है कोरोना की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी चिंताजनक है। जी हाँ दोस्तों, देश में तीसरी लहर के कहर के बीच दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। मंगलवार को राज्य सरकारों की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो कोरोना का कहर अब कम होने लगा है। दिल्ली में कोरोना के 6,028 नए मामले सामने आए तो मुंबई में 1,815 के साथ कोरोना के नए केस दर्ज हुए। हालांकि मौत के आंकड़े अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। बता दें, कल दिल्ली में कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई है तो मुंबई में 10 मौतें दर्ज की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ जनरल बिपिन रावत समेत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उनकी लिस्ट हमने स्क्रीन पर रख दी है। अगली खबर की बात करें जहाँ पर पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं, ये बोलकर अखिलेश ने क्या अपने पैर पर मार ली है कुल्हाड़ी। बता दे, सर्वे में क्या मिला है जवाब। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और सपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश की ओर से पहले जिन्ना और फिर पाकिस्तान को लेकर कही गई बात से बीजेपी को फायदा हो सकता है। सी वोटर ने इस मुद्दे पर सर्वे भी किया है दोस्तों, जिसके नतीजे भी इस बात की तस्दीक दे रहे हैं। आपको बता दें, सी वोटर की ओर से किए गए त्वरित सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा उछाल कर अखिलेश ने सेल्फ गोल किया है। जवाब में 46% लोगों का कहना है कि हाँ, अखिलेश को इसका नुकसान होगा। तो वहीं 32% लोगों ने कहा है कि अखिलेश को इसका नुकसान नहीं होगा। तो वहीं 22% लोगों ने पता नहीं का विकल्प चुना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब दूसरे सवाल की बात करें जहाँ दूसरा सवाल पूछा गया लोगों से कि अब तक के टिकट बंटवारे के हिसाब से मुसलमानों का बड़ा नेता कौन है, तो इसके जवाब में 65% लोगों ने अखिलेश यादव का नाम लिया है। तो 12% ने कहा है कि वो मायावती को आगे मानते हैं और 6% ने प्रियंका गांधी का नाम लिया है। तो 16% ओवैसी को मुसलमानों का बड़ा नेता मानते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं दोस्तों। अखिलेश के बाद सबसे अधिक लोगों ने ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताया है। ऐसे में टोटल की बात करें तो 65% लोगों ने अखिलेश को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताया दोस्तों। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम आपसे ये दोनों सवाल पूछे कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा उछाल कर अखिलेश ने सेल्फ गोल किया है और मुसलमानों का बड़ा नेता कौन है, तो कमेंट में आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक और खबर आ रही है, जहां पर मेरठ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के बिगड़े बोल, कहा आ रही हमारी सरकार, गिन गिन कर लेंगे बदला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी का विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें वे चुनाव जीतने के बाद बदला लेने की बात कहते हुए साफ सुनाई दे रहा है दोस्तों। बीजेपी ने आदिल चौधरी के बयान को आपत्तिजनक मानते हुए उन पर कार्रवाई करने की
मांग की है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है यानी किसी हॉल में पब्लिक मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप, उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये हम पर जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इन्हें एहसास करा दिया जाएगा, जिससे ये आगे 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे घरों से निकालते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। यानी कि दोस्तों बहुत तगड़ी बात इन्होंने कह दी है, भड़काने वाली बात कही है दोस्तों, आपस में झगड़े लगाने वाली बात इन नेताओं के मुंह से कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया है और इनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, तो कमेंट में बताना आप लोग। बिल्कुल मत भूलिएगा, अगली खबर की बात करें जहां पर देश के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को भी छोड़ा पीछे, दुनिया में 11वां स्थान पाया है इन्होंने। जी हां दोस्तों, फोर्ब्स के रियल टाइम नेटवर्थ डाटा के अनुसार अडानी की संपत्ति इस समय करीब 6.72 लाख करोड़ रुपए है दोस्तों, तो वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 6,71,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर गौतम अडानी इस दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां ई श्रम कार्ड योजना को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने बैंक खाते में डाले 1,000 रुपए, मात्र 30 सेकंड में कर सकते हैं ऐसे चेक। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी सरकार, बोले तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भेजा है। इस योजना के पहले चरण के तहत 1,000 रुपए श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। योगी सरकार ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका के कारण कामगारों को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, योजना के मुताबिक दिसंबर से मार्च तक यानी 4 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। कुल 2,000 रुपए दिए जाने हैं, जिसकी अब 1,000 रुपए की किस्त दी जाएगी। इस समय राज्य में रजिस्टर कामगारों की संख्या 5,90,00,000 से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई, हमने आपको बताया है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपके खाते में 1,000 रुपए भेज दिए हैं। आपको अगर चेक करना हो, कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर बैंक खाते का बैलेंस तुरंत चेक कर सकते हैं, आपके पास मैसेज आया है नहीं, आप अपनी बैंक ब्रांच जाकर भी बैलेंस चेक करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी आपके लिए, बड़ी जानकारी हमने दी है। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ सकती है लिमिट, किसानों को मिलेंगे और भी कई फायदे। दरअसल किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी शानदार स्कीम है जिसमें किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस बार के बजट 2022 में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस योजना में लोन, बोले तो KCC लोन की लिमिट को और बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ में अंतिम खबर की बात करें, जहाँ रात में ट्रेन में ऊंची आवाज में अगर बात की या फिर बजाया रात में कोई भी ट्रेन में गाना, तो अब उनकी खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह खबर उन लोगों की है जो रात में दूसरों को सोने नहीं देते, और अब होगी उन पर यह कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन में यात्रा के समय हम सभी कभी ना कभी दूसरे सहयात्रियों की वजह से परेशान हो चुके हैं दोस्तों। कई लोग जो ग्रुप में होते हैं, देर रात में भी जोर जोर से बातें करते रहते हैं। कई लोग मोबाइल फोन पर ही तेज आवाज में गाना या म्यूजिक सुनते हैं। कुछ को तो रात में भी लाइट बंद करने में दिक्कत होती है, उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि ट्रेन में वो अकेले नहीं, दूसरे यात्री भी सफर कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, इसी सभी समस्याओं को लेकर, आपके सभी समस्याओं को लेकर दोस्तों, भारतीय रेलवे इसी हफ्ते से इसे मुहिम की तरह शुरू कर रही है दोस्तों। और ट्रेन में रात के समय तेज आवाज में बात करने, गाना सुनने पर बैन लगाने जा रहे। यानी कि दोस्तों, अब आपका सफर रात में बेहद सुखद होने वाला है। ऐसे में कितने भाई बहन जो रात को ट्रेन में परेशान हो चुके हैं, उनके साथ कभी ना कभी ऐसी घटना जरूर हुई है जिससे उनको नींद नहीं आई, वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और भारतीय रेलवे के इस फैसले का समर्थन करेंगे, हाँ या ना में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा, मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम। और एक बार फिर आपको जाते जाते गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे।